नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कहते हैं आग हवा और पानी से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा हो सकते हैं। कभी साफ तौर पर आप देखते हैं सोशल मीडिया का ये दौर चल रहा है जहां पर लोग व्यूज लाइक के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कभी वीडियो तो कभी फोन से सेल्फी के चक्कर में लोगों ने बहुत बार जान गवाई है, जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। हाल में एक वीडियो, एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर भी यही समझ आता है इस वीडियो में पागलपन साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, इसमें मुंबई में बांद्रा को साफ तौर पर बैंड स्टैंड में एक कपल जो है समुद्र किनारे परिवार के साथ इंजॉय करता दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो होता है वे डरावना था और साथ ही सबक देने वाला ये वीडियो है। वीडियो में दिखता है कि कपल एक पत्थर पर बैठा समुद्र की लहरों के मजे ले रहा है। साफ तौर पर वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये कपल बैठा हुआ है। ये लेडी साड़ी में नजर आ रही हैं और हस्बैंड भी साथ में हैं और किस तरीके से ये समुद्री लहरों का आनंद उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि उनकी छोटी बच्ची इसका वीडियो भी बना रही है, ये बच्ची ने वीडियो बनाया है। जी हाँ, बच्ची की आवाज वीडियो में साफ सुनाई दे रही है। समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं और पति पत्नी ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। इसके बाद एक तेज लहर आती है और महिला को अपने साथ बहा कर ले जाती है। जी हाँ, बच्ची और पिता साफ तौर पर स्तब्ध होकर देखते रह जाते हैं। वीडियो में मम्मी मम्मी चीखती बच्ची की कांपती और घबराती आवाज साफ सुनाई दे रही है। महिला की पहचान लगभग 32 साल की ज्योति सोनार के रूप में हुई है। महिला के पति मुंबई के रवाले के गौतम नगर निवासी मुकेश एक निजी फर्म में टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, जब चौथी लहर ने हमें पीछे से मारा तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और हम दोनों फिसल गए। जब मैंने अपनी पत्नी की साड़ी पकड़ी तो एक शख्स ने मेरा पैर पकड़ लिया लेकिन उसे बचाया नहीं सका। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि मेरी पकड़ मजबूत थी फिर भी वह अपनी साड़ी से फिसल गई और मेरी आंखों के सामने समुद्र में खींच ले गया। मेरे बच्चे जो हैं वहीं थे, मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। मैं नहीं जानता था कि वे इस घटना से कैसे उभरेंगे। लगभग शाम करीब 5:12 की ये घटना है और घटना को देखने वाले आसपास में खड़े लोगों ने पुलिस को सूचित भी किया। पुलिस जिस तरीके से नजर आई और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। रविवार देर रात मुंबई में फायर ब्रिगेड के तलाशी अभियान के बाद ज्योति का शव बरामद किया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुकेश के अनुसार दंपति और उसकी 12 साल की बेटी और 6 और 8 साल के बेटे अक्सर पिकनिक मनाने जाते थे और बच्चे इन सैर सपाटे का बेसब्री से इंतजार करते थे। ये तय करने के बाद वे कहां जाएंगे, परिवार ने उस दिन के लिए मुकेश के एक दोस्त का ऑटो किराए पर लिया। ज्योति पूरे परिवार का खाना बनाकर पैक कर लेके गई थी। रविवार को परिवार ने जू चौपाटी जाने का फैसला किया था। हालांकि हाई टाइट के कारण साफ तौर पर बीच में पर एंट्री बैन थी और परिवार ने भेलपुरी सेंटर में खाना खाया और बांद्रा की ओर निकल गए। ये तस्वीर लेते हुए खतरनाक दुर्घटना हो गई। साफ तौर पर आपको ये बताया गया कि ये पति पत्नी जिस तरीके से वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये पत्थर पर बैठकर लहरों का आनंद ले रहे थे, सेल्फी साफ तौर पर बच्चे बना इनकी फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे और ये जिस तरीके से नजर आ रहे थे ये अपनी जान के साथ खिलवाड़ था। एक पिकनिक मनाने के लिए निकला परिवार किस तरीके से तबाह हो गया। एक महिला अपने परिवार की महत्वपूर्ण मानी जाती है लेकिन जिस तरीके से साड़ी में बैठी ये महिला पत्थर पर, आप साफ तौर पर वीडियो में देख पा रहे होंगे, जिसे ये नहीं पता था कि घर से खाना बनाकर निकल रही है, पिकनिक के लिए निकल रहे हैं लेकिन एक वीडियो बनवाना, साफ तौर पर उन यादों को कैमरे में कैद करना इतना भारी पड़ जाएगा कि वो महिला ही याद बनकर रह जाएगी और आज वही हुआ है। आप भी सतर्क रहें और इस तरीके की घटनाओं से बचें। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।